आज वो दिन आ गया है गाइस, आई एम फाइनली डूइंग इट। फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, और इतना अजीब तो मुझे तभी भी नहीं लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम अकेले ब्रा लेने गई थी। आई डोंट नो, मतलब वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ अनकंफर्टेबल सवाल कर दिए तो, और अगर मैं उनका जवाब नहीं दे पाई तो, और कहीं से अगर बात मम्मी पापा को पता चल गई तो, हो सकता है वो मुझे जज करेंगे, हो सकता है कि मैं कुछ ओवर शेयर कर दूँ, मुझे नहीं पता इफ आई नीड टू फिजिकली प्रिपेयर फॉर इट। मैंने तो नहा लिया है, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? नहीं, रोमांटिक डेट तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ना, कुछ दिनों से मैं और मेरी बॉडी बहुत सेम पेज पे नहीं है। आई मीन आई एम फीलिंग वियर्ड, मतलब कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी पीरियड्स आ जाते हैं, और जब नहीं आते तब हार्ट अटैक तो श्योरली आ जाता है। विच इज़ वाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे गायनेक यानी कि लेडी डॉक्टर के पास जाना ही है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था ना कि मैंने उनके साथ टेलीमेडिसिन ऑनलाइन किया था, सोचा फिजिकल चेकअप भी करवा ही लूँ। ओके गाइज, आई एम ऑलमोस्ट श्योर, आई सी यू सून। ओके, विश मी लक। आपका नाम क्या है? पूजा। आई मैरिड है या अनमैरिड? अनमैरिड। ओके, वेट करेंगे। पता नहीं क्या वेट होगा, नर्स क्या सोच रही होगी, जज तो नहीं करेगी ना। ठीक हो ना आप पूजा? बहुत डरी हुई थी जब आए थे। आई नो, नहीं मैं ठीक हूँ। एक्चुअली जब मैं बाहर से आ रही थी तो मुझे नर्स ने पूछा था कि इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, तो हाउ डज इट मैटर, मतलब उससे कुछ चेंज हो जाता है, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि सिर्फ मैरिड लोग ही सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, इसलिए। ओके ओके, सो बट आपको कैसे पता चलता है इफ़ आई एम सेक्सुअली एक्टिव और नॉट? वैसे ही जैसे मैंने आपको पूछा कि आर यू सेक्सुअली एक्टिव। हाँ, एक्चुअली मैंने ये सुना था और रिज्यूम किया था कि लेडी डॉक्टर के विजिट्स बहुत स्कैरी और ऑकवर्ड होते हैं, बिकॉज इनमें बहुत सारे इंटरनल टेस्ट्स होते हैं और वेरी स्कैरी चेकअप्स होते हैं, तो मुझे ऐसा था कि शायद ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा। नहीं नहीं, सी बेसिकली आप अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो हमारे एग्जामिनेशन सब एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन हम उन्हीं लड़कियों के या औरतों के करते हैं जो सेक्सुअली एक्टिव है, और बेसिकली हम समझते हैं कि विमेन स्पेशली यंग गर्ल्स लाइक यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी, सो एनी गायनेकोलॉजिस्ट विल रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। ओके, एंड एवरी टाइम वेन एवर यू आर हैविंग एन एग्जामिनेशन यू हैव टू बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अनकंफर्टेबल हो तो आप कभी भी स्टॉप करने को बोल सकते हो। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। एंड अगर आई एम सेक्सुअली एक्टिव, डू आई हैव टू, मतलब ये टेस्ट मुझे हर बार ही करने होते हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल इंटरनल एग्जामिनेशन डिपेंड करते हैं कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है, आपका सिम्टम्स क्या है, और वो अगर ज़रूरी है तो एक किया जाता है। और जब आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो ऐसा अगर हमको लगे कि कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो हम सोनोग्राफी करवाने को बोलते हैं। एंड हमारी ये जो कॉन्वर्जेशन है वो अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स या आउटसाइडर्स या फ्रेंड्स या कोई पूछें तो आप उनको बता देंगे? सो दैट्स अप टू यू, अगर आप शेयर करना चाहते हो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में होता है वो टोटली कॉन्फिडेंशियल होता है। लीगली हम बाउंड है कि हम ये कोई डिस्क्लोज नहीं करें, तो एवरीबडी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी डॉक्टर से बात आप शेयर कर रहे हो वो उनके बीच में ही रहेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप 18 साल और इसके ऊपर हो तो आप एडल्ट हो और सही गलत के सब फैसले आप अपने आप से खुद ले सकते हो। ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब बहुत पेशेंटली और अच्छे से दिया।
पता नहीं मैं क्यों हिचकिचा रही थी। अब आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट टाइम लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे इतनी दिक्कत होगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है गाइज, अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, एंड इट वॉज नॉट दैट स्कैरी एक्चुअली। आपने देखा कि मैं इनिशियली कितना फ्रीक आउट करी थी, बट डॉक्टर दीपाली वॉज वेरी जेंटल, शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी स्वीट। मेरे इतने सारे कंसर्न्स थे और उन्होंने इतने अच्छे से, इतने पेशेंटली सब कुछ आंसर किया। आई एम सो मच पीस नाउ। आई नो हम गर्ल्स ना बहुत घबराती हैं डॉक्टर्स के पास जाने में, स्पेशली जब बात होती है गायनेक के पास जाने में, तो इट्स अ बिग नो नो। आई अंडरस्टैंड थोड़ी मुश्किल होती होगी, पर हिम्मत करके चले जाओ। ट्रस्ट मी, वो भी सेल्फ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एंड जब आप अपने गायनेक के पास जाओगे, वो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे व्हेन वाज योर लास्ट पीरियड, इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट। एंड ये सारे क्वेश्चंस में यू डोंट हैव टू वरी, आप इन सारी चीज़ों को खुला खुला उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड दे विल कीप योर प्राइवेसी प्रोटेक्टेड। ऑल्सो अब आपको इंतज़ार करने की, मेंटली फिजिकली सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होके आपकी हेल्थ जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मिल रहा है सब कुछ चुटकी में, विच छाजा। सो नो शर्माना, नो घबराना। ओके बाय गाइज। ओ ऑल्सो बाय द वे, अगर आपको भी मेरी तरह डॉक्टर को दिखाना है, तो आप छाजा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, लिंक इज इन बायो, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बाय।